जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कभी कभी मैस्टरबेशन की वजह से या पुरानी बीमारियों की वजह से, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज की वजह से, थायराइड की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या जेनेटिकली यानी कि हेरिडिटी, कभी कभी आपको मानसिक कमजोरी महसूस होने लगती है या मेंटल वीकनेस उत्पन्न होने लगती है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत पुरानी बीमारियों के साथ साथ किसी भी तरह का शौक लगना या घोर निराशा या बहुत ज्यादा दुख महसूस करना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की वजह से, वो फिर चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, उसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा मानसिक कमजोरी महसूस होने लगती है, याददाश्त खराब होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, या जो अगर बच्चे हैं या पढ़ाई करने वाले लोग हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वो चीजें भूलने लग जाते हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में कि कैसे आप किसी भी कारण से, अगर आपको मानसिक बीमारी, बीमारी नहीं बोल सकते, मानसिक कमजोरी की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी मेमोरी पावर जो है खराब हो रही है और आप चीजों को कोरिलेट करने में, चीजों को याद रखने में सक्षम नहीं हो रहे, तो होम्योपैथी मेडिसिन आपकी कैसे मदद कर सकती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी आप कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। तो अब बात करते हैं, किसी भी वजह से अगर आपको मेंटल वीकनेस आ रही है तो होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो बहुत इफेक्टिवली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है बकोपा मननेरी, जिसको हम ब्राह्मी में बोलते हैं। ये आपकी मेमोरी पावर बूस्ट करने की सबसे अच्छी मेडिसिन मान जाती है। जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं वो भी जानते होंगे कि न केवल ये आपका मेमोरी पावर बढ़ाती है बल्कि आपके बालों को घना बनाने में भी बहुत मदद करती है। डोजेस क्या है इसकी, 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। अगर दिमागी काम करने की वजह से यानी मेंटल वर्क अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपको उसमें परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी मेंटल वर्क करते हैं तो भी आपको परेशानी होने लगती है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो है पिक्रिक एसिड 30। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और इस तरह की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, अगर मैस्टरबेशन की वजह से बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल वीकनेस महसूस हो रही है, चीजें याद नहीं रह रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो एसिड फॉल्स मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। मेंटल वीकनेस से भी छुटकारा दिलाती है और फिजिकल वीकनेस से भी ये छुटकारा दिलाती है, स्पेशली जब आपको प्रॉब्लम मैस्टरबेशन, पास्ट के मैस्टरबेशन या फिलहाल के मैस्टरबेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है बराइटा कार्ब 30। बराइटा कार्ब 30 किन लोगों को सूट करती है, जिनकी हाइट कम है, जिनको चीजें को रिलेट करने में बहुत परेशानी आती है, कॉमन सेंस की जो चीजें होती है उसमें भी कई बार वो को रिलेट नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग पावर जिन लोगों का कमजोर होता है, जिनको बार बार चीजों को समझने के लिए बार बार चीजें देखनी पड़ती है, याददाश्त जिनकी कमजोर रहती है और मेंटल और फिजिकल वीकनेस ऐसा बोल सकते हैं जिनका एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जिन बच्चों का, वो लोग भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। बुजुर्गों और बच्चों में मेंटल पावर बढ़ाने की बराइटा कार्ब 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्सोमिका 30। नक्सोमिका 30 बहुत पॉलीक्रेस मेडिसिन है, इसकी बहुत सारी समस्याओं में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। ऐसे पर्सन जो उनको बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो पैशनेट है अपने वर्क को लेके लिए, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव रहते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, चीजें उनको कई बार भूलने लगते हैं, अगर बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर लिया चीजें बहुत भूल रहे हैं या उनको याद रखने में तकलीफ हो रही है कोई भी चीजें, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है और इरिटेबिलिटी की वजह से उनको मेंटल वीकनेस का अगर सामना करना पड़ रहा है, साथ में अगर कब्ज भी बनी रहती है यानी पेट भी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो पूरा अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाता है, बहुत ज्यादा वर्क में पेशनेट होने की वजह से और साथ ही पेट खराब होने की वजह से उनकी जो रात की नींद है वो भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है और रात को देर तक वो जागते रहते हैं, सुबह भी देर तक उठना उनका रहता है, तो ऐसी कंडीशन में नक्सोमिका 30 जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है मेंटल वीकनेस में, इरिटेबिलिटी में और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिसिन बहुत यूजफुल। तो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप नक्सोमिका 30 ले सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन ये मेडिसिन काफी लाभ देगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसका नाम है साइलिशिया
6x सैलिश या 6x उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। जब थायराइड की समस्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत है, बहुत अच्छा खाने पीने की बाद भी अगर आपको खाना जो है अच्छे से नहीं लगता है, चीजें याद जल्दी नहीं होती है, मेंटल वर्क करने की इच्छा नहीं होती है और मेंटल वीकनेस अगर महसूस होती है, चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं रहती है, बिल्कुल आप उस समय ब्लैंक हो जाते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, तो उस समय लिशिया 6x जो मेडिसिन है बहुत यूजफुल है। 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको काफ़ी सारी समस्याओं में मदद की। उन बच्चों में ये साइलिशिया 6x बहुत अच्छा काम करती है जिनकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ी है, जो ऑब्स्टिनेट बहुत ज़्यादा है और जिनको पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है और साथ में वो चीज़ें जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाते हैं, जिनमें डिलेट माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, जिनको दांत देर से निकले हैं या जिन्होंने चलना और भूलना देर से सीखा, उन कंडीशंस में भी साइलिशिया 6x मेडिसिन बहुत यूजफुल रहती है। 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार उस कंडीशन में भी अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी ये मेडिसिन। एक बहुत यूनिक सिम्टम है जैसे कि पढ़ते समय नींद आना। अधिकतर जो भी बच्चे होते हैं जो उनको एग्ज़ाम देना होता है या जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं या जो पर्सन अपने स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और जो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वो ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ते समय नींद आती है। तो इसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है मैकफोस 6x की 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जहाँ है, मैग्नीशियम फॉस्फोरस की कमी जहाँ है और उसकी वजह से अगर किसी पर्सन को नींद आती है पढ़ते समय, मेंटल वीकनेस महसूस होती है, जल्दी याद नहीं होता है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है मैकफोस 6x। 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है इस कंडीशन में, सुबह दोपहर शाम करके। पढ़ते समय जो इस तरह की नींद आ रही है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं उसमें ये मेडिसिन आपको काफ़ी फायदा देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 किस कंडीशन में काम करती है, जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है या मेंटल वर्क करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही है और स्पेशली नसों की कमजोरी जिन पर्सन में रहती है, स्नायु तंत्र जिनका कमजोर रहता है, तंत्रिका तंत्र जिन लोगों का कमजोर रहता है और शरीर में कभी सुन्नपन होना, क्रैम्स आना जैसी कंडीशन जिनको आती है, जो पतले दुबले लोग हैं, इरिटेबल जो रहते हैं, जिनको छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन लोगों को फॉस्फोरस 30 बहुत यूजफुल रहेगी। नसों की कमजोरी के कारण अगर उनको किसी भी तरह की मेंटल वीकनेस आ रही है और पढ़ाई करते समय या मेंटल वर्क करते समय परेशानी हो रही है, तो फॉस्फोरस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है और तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा एग्नेशिया 30 कब काम करेगी, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा निराशा या दुख में एकदम से चला गया है, किसी भी चीज़ का उसको शॉक लगा है, उसके बाद उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कोई भी काम करने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सडन निराशा या सडन दुख के कारण, किसी भी आघात के कारण, तो एग्नेशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है मेडिसिन और कंडीशन से आप काफ़ी छुटकारा पा सकते हैं, आपका माइंड भी वर्क करना लगेगा और जो गहरा आघात लगा है, जो एकदम से ब्रूडिंग हो रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिसको सदमा बोल सकते हैं, वो उसमें ये मेडिसिन आपको काफ़ी ईज देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्योर 30। नेट्रोम्योर 30 का बहुत ज़्यादा काम करती है, जब किसी भी प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट के कारण, निराशा के कारण या बहुत गहरे दुख के कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेंटल वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और वही चीज़ जिस चीज़ से आपको सदमा लगा या गहरा दुख हुआ या निराशा हुई वो चीज़ आपके बार बार अपने मन में घुटन की तरह बनी रहती है और आपका काम में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और स्पेशली ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी हो, तो नेट्रोम्योर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है सुबह दोपहर शाम करके और इस कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकता है। इग्निशिया 30 कब काम करेगी, जो इस तरह की जो कंडीशन है, गहरा आघात, निराशा, दुख जो भी है वो सडन है, और नेट्रोम्योर कब काम करेगी, जब नेट्रम कोई भी गहरा दुख या सदमा या जो भी आघात है वो बहुत पुराना हो चुका है और वो अंदर ही अंदर घुटन बन के इंसान को परेशान कर रहा है और उसकी वजह से पर्सन काम नहीं कर पा रहा है, स्पेशली मेंटल वर्क, तो नेट्रोम्योर 30 पुरानी चीज में और इग्निशिया जो है वो नई चीज में काम करेगी। अब बात करते हैं मेंटल वीकनेस की बायोकेमिक औषधि के बारे में, तो कालीफोस 6x बहुत अच्छी मेडिसिन है। 4-4 टैबलेट करके दिन में 3 बार तब ले जा सकती है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद की कमी की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मेंटल वर्क नहीं कर पा रहे हैं या मेंटल वर्क
माइंड से रिलेटेड कोई भी काम करने में परेशानी हो रही है, चाहे वो याद करना हो या कोई भी मेंटल वर्क हो, कहीं भी फोकस करना हो, कहीं भी कंसंट्रेशन करना हो, माइंड लगा के कहीं भी काम करना हो, और नींद, स्ट्रेस और तनाव की कमी की वजह से अगर बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है इस तरह की, कालीफोर्स 6X चाचा टेबलेट करके दिन में 3 बार ली, उस कंडीशन में ली जा सकती है जब मेंटल वीकनेस से इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर मेंटल वीकनेस के साथ फिजिकल वीकनेस भी हो तो कालीफोर्स की जगह आपको लेनी है 5-4-6X मेडिसिन। यानी अगर सिर्फ आपको तनाव है, चिंता है, मेंटल वीकनेस की प्रॉब्लम है तो कालीफोर्स 6X बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन मेंटल वीकनेस के साथ फिजिकल वीकनेस भी हो रही है, यानी आपको किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी समस्या की वजह से मेंटल वीकनेस भी है, फिजिकल वीकनेस भी है, तो 5-4-6X मेडिसिन बहुत अच्छी है। चार चार टेबलेट करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके, और मेंटल और फिजिकल वीकनेस तीनों ही कंडीशन से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यही था वीडियो मेंटल वीकनेस के बारे में और उसकी होम्योपैथिक औषधि के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। कोई कॉमेंट कर सकते हैं आप क्वेरी के लिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।